Hey guys, welcome back my YouTube channel. Guys, Noise अपना एक और नया स्मार्ट वॉच लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा Noise Icon Buzz. और गाइस ये जो नया स्मार्ट वॉच होने वाला है वो काफी जबरदस्त फीचर के साथ में होगा और साथ में एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है जिस पर कि आप बात भी कर पाओगे. गाइस इस वॉच से रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सारे फीचर्स इसके नहीं बताए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, साथ में इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट एंड लॉन्च प्राइस भी बताने वाला हूँ कि किस प्राइस पॉइंट तक लॉन्च हो सकता है. तो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी डिजाइन से कि डिजाइन में हमको क्या देखने के लिए मिलता है. तो गाइस यहां पर आपको इसकी जो डिजाइन है वो रेक्टेंगल शेप डिजाइन मिल जाती है, साथ में गाइस तीन कलर चॉइस आपको यहां पर मिल जाते हैं. अगर मैं कलर चॉइस की बात करूं तो गाइस यहां पर आपको ब्लैक, ग्रीन एंड ग्रे तीन कलर मिल जाते हैं. जो आपको पसंद हो वो आपके अकॉर्डिंग इसमें आप ले सकते हैं. और शायद यहाँ पर आपको पूरा मेटल बॉडी देखने मिलने वाला है जिससे कि जो बिल्ड है ना वो काफी बढ़िया आपको मिलेगा. तो गाइस डिजाइन वगैरह काफी अच्छे मिल जाती है, कलर चॉइस आपको काफी अच्छे यहाँ पर मिलने वाले हैं. सेकेंड अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो गाइस यहाँ पर आपको 1.69 इंचेस का एक TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पर आपको एमोलेड नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक TFT डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन कूलिंग स्मार्ट वॉच है तो गाइस यहाँ पर बनता है इतना. तो यहाँ पर आपको TFT पैनल मिल जाता है, साथ में गाइस 100+ वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं इस डिस्प्ले को एक कंप्लीट लुक देने के लिए. अभी तक इसका पिक्सल रिजोल्यूशन क्या होगा, PPI क्या होगा वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना बताया है कि साइज क्या होगा. तो 1.69 इंचेस का आपको यहां पर साइज मिलने वाला है जो कि एक TFT पैनल के साथ में मिलेगा. 100+ वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं. सेकेंड अगर मैं हेल्थ फीचर्स एंड सेंसर्स की बात करूं तो गाइस सारे सेंसर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं. SPO2 आप इसमें यूज कर पाओगे, स्लिप रेट मॉनिटरिंग आप इसमें यूज कर पाओगे, हार्ट रेट मॉनिटरिंग यूज कर पाओगे, साथ में स्टेप काउंट करने का, कैलोरी काउंट करने का सारा सिस्टम आपको यहां पर मिल जाएगा. तो ओवरऑल सारे सेंसर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं. सेकेंड अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट्स मोड की तो गाइस यहाँ पर आपको नो स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं. अब इसमें वही स्पोर्ट्स मोड आपको मिलेंगे जो कि अपने डेली लाइफ में काम में आते हैं. फालतू के जो स्पोर्ट्स मोड है वो आपको नहीं मिलेंगे, जो डेली लाइफ में हमारे काम में आते हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी. सेकेंड अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्शन की तो गाइस IP67 का यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है. इसको पहनकर अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी चला जाता है कोई दिक्कत नहीं होगा. जिम वगैरह के लिए यूज़ करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो प्रोटेक्शन भी आपको काफी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है. सेकंड अगर मैं बात करूँगा इस एडिशनल फीचर्स की तो गाइस सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं. अब आप बस इसके फीचर्स गिनना कि कितना फीचर्स हमको मिल जाता है. सबसे पहले कि ये जो स्मार्ट वॉच है वो कॉलिंग स्मार्ट वॉच है. सेकंड यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा. थर्ड आपको यहाँ पर डायलिंग पैड मिल जाएगा. फोर्थ आपको यहाँ पर रिसेंट कॉल मिल जाएगा कि किस किस का कॉल हमारे पीछे आया हुआ है, मतलब कि पहले किससे हमारी बात हुई है. यहीं से आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, आप सारा कुछ यहीं से देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा. लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि यार कितना कॉन्टैक्ट आप इसमें सेव कर सकते हो, वो अभी तक कंफर्म नहीं है. लेकिन हाँ कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो, मे बी हो सकता है 200-300-400 समथिंग तो कर पाओगे. अब देखते हैं कि अपडेट में क्या आता है. सेकेंड अगर मैं बात करूँगा इस बैटरी बैकअप के पहले हम बात करेंगे एडिशनल फीचर्स की. तो यहाँ पर आपको स्टॉपवॉच मिल जाता है, अलार्म मिल जाता है, वेदर का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, म्यूजिक एंड कैमरा आप कंट्रोल कर पाओगे. जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपके सोशल मीडिया के हो, व्हाट्सएप के हो, कहीं के भी हो, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे. तो ये चीजें आपको सारी इसमें मिल जाती है. अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की. तो गाइस ब्रांड की तरफ से बोला जा रहा है कि इसमें आपको 7 दिन का बैकअप मिलेगा. अब देखो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आपको यही बताता हूं कि यार जो बैटरी बैकअप होता है वो डिपेंड करता है आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो. तो यहां पर ब्रांड 7 दिन का ले रहा है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं आपके यूजर्स के हिसाब से तो 3 से लेकर 4 दिन का बैकअप आपको यहां पर मिलेगा. हार्डली यूज करोगे तो मैक्सिमम आपको 3 दिन का मिलेगा. अगर आप हार्डली यूज़ कर रहे हो, अपना फ़ोन से इसको कनेक्ट रख रखे हो, ज़्यादा कॉल्स वगैरह आते हैं, कॉल्स ज़्यादा आप ले रहे हो, तो मे बी आपको 3 दिन का ही बैकअप इसमें मिलेगा. अब वो डिपेंड आपके यूज़ पर कर रहा है कि आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हो. अगर आप इसको लोगे तो सीधी सी बात है कि आप कॉलिंग के लिए इसको यूज़ करोगे. अगर आप कॉलिंग के लिए यूज़ करोगे तो मे बी थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा. तो गाइस सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बैटरी बैकअप से लेके डिस्प्ले वगैरह सब कुछ आपको बता दिया है, सारे फीचर्स मैंने बता. अब बात आती है लॉन्च डेट एंड लॉन्च प्राइस की. तो गाइस लॉन्च डेट अगर मैं बताऊं तो मे भी हो सकता है कि इस महीने के एंड तक आपको ये देखने के लिए मिले, या फिर अगले महीने के स्टार्टिंग एंड, इस महीने का एंड और अगले महीने का स्टार्टिंग, यही आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा.
सेकंड अगर मैं बात करूं लॉन्च प्राइस की, तो गाइस देखो यहां पर आपको कोई एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, टीएफटी पैनल मिल रहा है जो कि एक सस्ता है, तो मे बी यहां पर आपको अराउंड 4000 के नजदीक ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। अब ऊपर नीचे हो सकता है, अराउंड मे बी यहीं आपको ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगी 4-5000 के करीब। देखते हैं कि किस प्राइस पॉइंट तक आता है। मैं फीचर्स के हिसाब से एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, क्योंकि जो कॉलिंग स्मार्ट वॉच होती है वो मे बी आपको यहीं मिलती है 3.5-4.5 यहीं मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती। और यहां पर आपको एक टीएफटी पैनल मिल जाता है, तो इसी हिसाब से आपको प्राइस मिल जाएगी। तो देखते हैं कि किस प्राइस पर पॉइंट पर आता है। और आपको अगर इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से कमेंट कीजिएगा, मैं अनबॉक्सिंग वीडियो इसकी बहुत जल्दी कराऊंगा। जैसे ही लॉन्च होता है आपको अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर से इसकी मिलेगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।